क्लास 10th एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 7। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉटम एंड टॉप ऑफ ए ट्रांजिशन टावर फिक्स एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। मतलब एक 20 मीटर हाई बिल्डिंग है, ये मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक 20 मीटर हाई बिल्डिंग है, उसके ऊपर इन्होंने कहा है अ ट्रांजिशन टावर फिक्स एट ए टॉप ऑफ ए बिल्डिंग। तो इसके टॉप पर ये मान लेते हैं ट्रांजिशन टावर है, ठीक है। तो दोबारा पढ़ते हैं, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, यहाँ पर ये ग्राउंड है, ग्राउंड पे कोई एक पॉइंट मान लेते हैं ये। तो फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ ए ट्रांजिशन टावर, ये जो ट्रांजिशन टावर है जो फिक्स है 20 मीटर हाई बिल्डिंग पे, उसके बॉटम और टॉप, तो उसका बॉटम, ट्रांजिशन टावर का बॉटम ये है और टॉप ये है, तो इनका एंगल जो है, एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ से, पॉइंट ऑन द ग्राउंड से, मतलब इस पॉइंट से, तो इस पॉइंट से इसका और इस एंगल का जो ये एलिवेशन है वो हमें गिवन है 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। तो सबसे पहले बोला था बॉटम का, तो ये बॉटम वाला होगा 45 डिग्री और ये पूरा टॉप वाला है 60 डिग्री, ठीक है। उसके बाद फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, हमें ये जो टावर है यहाँ से यहाँ तक की हाइट फाइंड करनी है, तो इसको हम x मान लेते हैं, ठीक है, और ये यहाँ से यहाँ तक 20 है। अब इसकी नेमिंग करें तो ये a, b, c और ये पॉइंट मान लेते हैं d, तो इसको आप ad पुट करके भी कर सकते हो और x मानना चाहो तो x मान के भी कर सकते हो, ठीक है। तो नाउ अब हमें ad जो है फाइंड करना है, तो सबसे पहले तो इस छोटी वाली जो ट्रायंगल है उसके परपेंडिकुलर का यूज़ करके हम बेस फाइंड करेंगे, ठीक है। उसके बाद बड़ी ट्रायंगल का हमें बेस मिल जाएगा, बेस का यूज़ करके हम ये ए बी फाइंड करेंगे और फिर उसमें से ये 20 माइनस कर देंगे तो वो एक्स आ जाएगा या ए बी आ जाएगा, ठीक। तो नाउ सबसे पहले इन ट्रायंगल ये छोटी वाली ट्रायंगल जो है डी बी सी हमें फाइंड करना है BC और हमारे पास है परपेंडिकुलर और बेस है, तो परपेंडिकुलर बाय बेस इक्वल टू 10 थीटा वाला फॉर्मूला हम लगाएंगे। तो परपेंडिकुलर है हमारे पास BD अपॉन में बेस है BC इक्वल टू 10 और इस ट्रायंगल में एंगल है हमारे 45 डिग्री, तो 10 45। नाउ BD की वैल्यू है 20 मीटर और BC हमें फाइंड करना है और 10 45 होता है 1। नाउ BC उधर जाएगा तो BC आ जाएगा 20, ठीक है, 20 मीटर भी लिख सकते हैं। अब ये BC हमारे पास आ गया, अब पूरी बड़ी ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल ABC, ABC ट्रायंगल में हमारे पास बेस है, पूरा परपेंडिकुलर निकालते हैं, तो पूरा परपेंडिकुलर है AB अपॉन बेस है BC इक्वल टू सेम 10 थीटा आएगा और बड़ी वाली ट्रायंगल में ये जो एंगल है ये 60 डिग्री का है, तो यहाँ 10 60 हो जाएगा। नाउ ए बी हमें फाइंड करना है और बी सी हमने अभी फाइंड किया था 20, तो यहाँ पे पुट करा लेते हैं। इक्वल टू में 10 60 की वैल्यू होती है अंडर रूट 3, तो अब ये 20 उधर जाएगा तो ए बी आ जाएगा 20 अंडर रूट 3 मीटर। और अब हमें फाइंड करनी है एडी, तो एडी जो होगी वो होगी एबी माइनस बीडी, तो एबी माइनस बीडी। नाउ एबी की वैल्यू हमने निकाली 20 अंडर रूट 3 और बीडी की हमें गिवन थी 20। नाउ इसमें से 20 कॉमन ले लेते हैं, अंदर बचेगा अंडर रूट 3 माइनस 1, 20 तो कॉमन आ चुका है तो इसलिए यहाँ 1 लिखेंगे, 0 नहीं लिखना है, 1 लिखना है, और ये जो है मीटर में हमारा आंसर आ गया, लेंथ ऑफ द या हाइट ऑफ द ट्रांजिशन टावर 20 इंटू अंडर रूट 3 माइनस 1।